गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम सभी एक्सरसाइज 7.11 के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को पहले समझें। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इवेल्युएट मान ज्ञात करिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए दोस्तों, किस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना, उसको आई मान लीजिएगा, आई है ना इंटीग्रेशन, आई बराबर 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना, इसे इक्वेशन 1 मानिएगा। ठीक, अब यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेगा और कैसे लिखा जाएगा उसको दिखा देंगे हम लोग। बोलेंगे सिंस प्रॉपर्टी होता है 0 to 0 है ना, 0 to a का फॉर्म में है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स रहता है, तो इसको लिखने का तरीका होता है, लिमिट सेम रखते हैं दोस्तों 0 to a, फंक्शन में लिखते हैं लेकिन एंगल में जो करते हैं ना a माइनस एक्स लिखते हैं, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। तो वही प्रॉपर्टी को इसमें इस्तेमाल करेंगे। देखिए i का i रखना है, बराबर का बराबर, लिमिट सेम 0 से π/2, फंक्शन भी वही बात कॉस स्क्वायर है ना, एंगल में देखिए एंगल में क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू π/2 - x ऐसा करना है, जो भी वैल्यू रहेगा यहाँ पर उस तरह का अप्लाई करेंगे, ये dx होगा। ठीक है, हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 to π/2 कॉस 90 डिग्री, π/2 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, कॉस π/2 - x का होता है दोस्तों साइन एक्स, क्या होता है साइन एक्स, है ना। तो देखिए कॉस π/2 - x को आपने लिखा, साइन एक्स लिखा, देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दीजिए, डी एक्स आई बराबर ही आपका हो गया, इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, बराबर यहाँ ही बराबर, तो इधर के बराबर किधर, वाई है, यहाँ भी आई है, तो 2i हो गया, जुड़ रहा है ना, उधर वाले को जोड़िए साइड वाले को, 0 से π/2 क्या है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, इसके वैल्यू जोड़िए 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, 2i = देखिए दोस्तों 0 से π/2 यहाँ भी 0 से π/2 है ना, कॉमन ले लीजिए, 0 से π/2 आप कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स है ना, देखिए डी एक्स भी था, तो डी एक्स डी एक्स दोनों कॉमन है, ठीक है ना। चलिए 2i बराबर आगे बढ़े, 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वैल्यू 1 होता है दोस्तों, 1 × क्या हुआ डी एक्स बचा, यानी 1 × डी एक्स डी एक्स हो गया, है ना, 2i = ये डी एक्स हो गया, लिख लेते हैं एक बार 0 से π/2 डी एक्स, 2i = डी एक्स का इंटीग्रेशन दोस्तों एक्स होता है, ठीक है ना, 0 से π/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, 2i = पहले अपर लिमिट वैल्यू पुट करना है दोस्तों, x जगह पर ये वाला वैल्यू बैठाना है, तो यहाँ पर π/2 है, फिर माइनस लिखना है, जब नीचे वाला वैल्यू 0 x की जगह पर अब 0 बैठाइए, तो ये 0 खत्म है ना, 0 का कोई ये नहीं यहाँ पे, 2i = क्या मिलेंगे π/2, तो i = क्या मिलेंगे, ये 2 आ जाएंगे है ना π/4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, इस तरह से आप ये लिखेंगे, ठीक है, चलिए इसे कॉपी कर लेंगे पॉज करके। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखिए किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले बोला कि डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी अगर इस्तेमाल करना हो तो उसे आप सबसे पहले आई जो दिया रहेगा ना उसका आई डेट कर लेंगे, 0 to π/4 सॉरी π/2
रूट साइन एक्स प्लस सॉरी बटा रूट है साइन एक्स प्लस रूट है कॉस एक्स डी एक्स। ये जो क्वेश्चन है वो दिया होता लिख लिया आपने इक्वेशन वन मान लीजिए। अब यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा वो आप इसे लिख लेंगे वहाँ पे है ना। सिंस देखिए जीरो टू ए का फॉर्म का है तो जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स का फॉर्म, तो इसको लिखते हैं कैसे हैं दोस्तों वो जरा दिखा देंगे यहाँ पर कि सेम टू लिमिट वही रखते हैं जीरो टू ए ही रखते हैं, फंक्शन भी लिखते हैं एफ लिखते हैं लेकिन ए माइनस एक्स लिखते हैं दोस्तों, ए उसके बाद माइनस एक्स ऐसा लिखा जाता है ठीक है ना। तो चलिए इसमें अप्लाई करना है ना, इसको देखें किस तरह से लिखेंगे। आई का आई बराबर के बराबर जीरो टू पाई बाय टू, रूट का रूट साइन देखिए यहाँ पर एक्स की जगह पर है ना ए माइनस एक्स लिखना, ए कितना बाबू पाई बाय टू माइनस एक्स बटा रूट साइन यहाँ पर हो जाएगा पाई बाय टू माइनस एक्स, जहाँ पर एक्स रहता है वहीं पे चेंज हो एंगल वाला चेंज होता है ना, रूट कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स ठीक है। देखिए दोस्तों है ना कुछ फॉर्मूले जो हैं वो जानने जरूरी हैं। साइन अगर पाई बाय टू माइनस एक्स रहेगा तो आप इसे लिखेंगे कॉस एक्स है ना, और दूसरी बात कि कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स रहे तो आप इसे लिखेंगे साइन एक्स ठीक है ना। देखिए आई का आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाय टू रूट का रूट साइन पाई बाय टू माइनस एक्स क्या लिख सकते हैं उसे कॉस एक्स लिख सकते हैं अपॉन रूट है, इसे भी कॉस एक्स लिख सकते हैं प्लस रूट इसे आप साइन एक्स लिख सकते हैं डी एक्स इक्वेशन नंबर टू ठीक है। अब दोनों को ऐड कर लीजिए दोस्तों, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट यही है आई इधर बराबर की इक्वल टू इधर आई इधर बराबर की इक्वल टू आई, तो आई आई कितने हो जाएंगे टू आई है ना, और इधर वाले पार्ट को जोड़ लेते हैं। तो चलिए जीरो से पहला पार्ट था जीरो से पाई बाय टू रूट साइन एक्स अपॉन रूट है साइन एक्स प्लस रूट है कॉस एक्स, ये पहला पार्ट था दोस्तों डी एक्स प्लस, दूसरा पार्ट है ये है ना दूसरा इक्वेशन, तो इसका जीरो से पाई बाय टू रूट है कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट है साइन एक्स ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ चीजें ध्यान देना होगा, जीरो से पाई बाय टू ये भी जीरो से पाई बाय टू है आप कॉमन ले सकते हैं ठीक है ना, तो बचा क्या ये पूरा पार्ट ये टर्म और ये टर्म। अब दोनों देखिए इसमें क्या चीज रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, यहाँ भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है ना, तो आप ऐसा करो लिख लो पहले कोई हड़बड़ाने की जरूरत ना है, साइन एक्स बटा रूट है साइन एक्स प्लस रूट है कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बटा कॉस एक्स प्लस रूट है साइन एक्स ठीक है डी एक्स ऐसा लिख लेंगे। टू वाई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाय टू, दोस्तों देखिए तो एलसीएम सेम आएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है, ये भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, तो एलसीएम आप इसका साइन एक्स प्लस रूट है कॉस एक्स लिख सकते हैं सेम, और जब सेम एलसीएम है तो ऊपर वाला कॉपी हो जाएगा वही आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट है कॉस एक्स डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों पूरा कट जाएगा सेम टू सेम है ना, तो कितना मिला वन मिला, टू आई जीरो से पाई बाय टू वन इंटू डी एक्स यानी कि डी एक्स है ना, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों एक्स होता है ना एक्स होता है जीरो से पाई बाय टू ऐसा लिखेंगे। टू आई इज इक्वल टू अब वैल्यू अप्लाई कर लीजिए पुट करिए एक्स जगह पर पाई बाय टू बैठाइए तो पाई बाय टू पुट कर लिया मैंने माइनस अब जीरो पुट करिए माइनस जीरो तो क्या हो जाएगा टू आई इज इक्वल टू पाई बाय टू, तो आई इज इक्वल टू क्या मिलेंगे पाई बाय बटा द्वार हो जाएगा तो फोर ना हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों।
सेकेंड, ठीक है ना। तो इसे अच्छे से आप कॉपी कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, इंटीग्रेशन जीरो से पावर बाय टू साइन पावर क्यू थ्री बाय टू एक्स अपॉन साइन थ्री बाय टू एक्स प्लस कॉस थ्री बाय टू एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो आप इसे हाईलाइट करिए, जीरो से पावर बाय टू साइन थ्री बाय टू एक्स अपॉन साइन थ्री बाय टू एक्स प्लस कॉस के पावर थ्री बाय टू एक्स डी एक्स, इक्वेशन वन लेट करिए, ठीक है ना। तो यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करना है ना, तो आप प्रॉपर्टी लिख लेंगे, जो प्रॉपर्टी अप्लाई करना होगा ना दोस्तों उसको लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर जीरो टू ए का फॉर्मूला लगेगा, तो जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, अप्लाई कैसे करते हैं, लिमिट वही रखने देते हैं जीरो टू ए, ठीक है, फंक्शन वही रहता है लेकिन ए माइनस एक्स लिखते हैं, ए माइनस एक्स ऐसा लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए आई का आई बराबर आई है दोस्तों, ये जीरो टू पावर बाय टू, फंक्शन वही रहेगा साइन पावर थ्री बाय टू है लेकिन देखिए एक्स है ना, तो एक्स अब क्या लिखा है ये वाला पावर बाय टू माइनस एक्स अपॉन साइन थ्री बाय टू पावर बाय टू माइनस एक्स प्लस कॉस थ्री बाय टू पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है दोस्तों। फॉर्मूले आपको याद होंगे, ये अभी मैंने बताया था कि साइन पाई बाय टू माइनस एक्स रहेगा तो आप इसे कोस सिक्स लिखेंगे, है ना, अगर कोस पाई बाय टू माइनस एक्स रहेगा तो साइन एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर यूज करते हैं आई का आई बराबर जीरो टू पाई बाय टू, आप इसे लिख सकते हैं कॉश एक्स, है ना, पावर देखिए वही रहेगा थ्री बाय टू कॉस पावर थ्री बाय टू एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका साइन पावर थ्री बाय टू एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर टू। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को आप ऐड कर लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में देखिए आई है, सेकेंड इक्वेशन में आई है, है ना, तो टू आई हो जाएगा। और उधर वाला साइड वाला लिख लीजिए जीरो टू पावर टू पहला साइन के पावर थ्री बाय टू एक्स अपॉन साइन के पावर थ्री बाय टू एक्स प्लस कॉस के पावर थ्री बाय टू एक्स डी एक्स प्लस सेकेंड जीरो टू पावर टू कॉस के पावर थ्री बाय टू एक्स अपॉन कॉस के पावर थ्री बाय टू एक्स प्लस साइन के पावर थ्री बाय टू एक्स डी एक्स, ठीक है। लिखने के बाद टू आई का टू आई, देखिए दोस्तों जीरो से पाई बाय टू, ये भी जीरो से पाई बाय टू, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा साइन के पावर थ्री बाय टू बटा साइन के पावर थ्री बाय टू एक्स एक्स प्लस कॉस के पावर थ्री बाय टू एक्स प्लस इसे कॉस के पावर थ्री बाय टू एक्स कॉस के पावर थ्री बाय टू एक्स प्लस साइन के पावर थ्री बाय टू एक्स। इसके बाद टू आई का टू आई जीरो टू पावर बाय टू एलसीएम ले लेंगे। देखिए तो दोस्तों साइन के पावर थ्री बाय टू एक्स प्लस कॉस के पावर थ्री बाय टू एक्स, ये है ना, साइन के पावर थ्री बाय टू एक्स प्लस कॉस के पावर थ्री बाय टू एक्स, एक ही बात है, तो हम उसको लिख लेंगे। जब एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला भी सेम उसी तरह जो है वही लिखाएगा। देखिए पूरा कट जाएगा ना, सेम टू सेम है, कट गया, क्या मिला दोस्तों यहाँ पे वन मिला, पूरा कट गया वहीं आया, तो वन आया वन इंटू डी एक्स, तो डी एक्स लिख सकते हैं टू आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाय टू, डी एक्स लिखेंगे टू आई इज इक्वल टू डी एक्स की इंटीग्रेशन दोस्तों एक्स होता है जीरो से पाई बाय टू, टू आई इज इक्वल टू पाई बाय टू कुछ कर दीजिए माइनस जीरो,
तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइव बाय फोर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे भी आप अच्छे से लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर है दोस्तों। इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू कॉस के पर फाइव एक्स अपॉन कॉस के पर फाइव एक्स प्लस शन के पर फाइव डी एक्स। ठीक है, तो फिर से आप आई लेट कर लीजिए, लेट आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाय टू कॉस के पावर फाइव एक्स अपॉन फाइव एक्स प्लस शन के पावर फाइव एक्स डी एक्स, इक्वेशन वन। ठीक है ना, इसके बाद आप जो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ना यहाँ पे, जो यूज होगा उसको लिखेंगे जरूर, बोलेंगे सिंस प्रॉपर्टी जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स लगने वाला है, तो इसका जो है यूज करते क्या है, वाई लिमिट रहता है जीरो टू ए ही रहता है, फंक्शन में केवल ए माइनस एक्स आता है इस तरह से। ठीक है ना, तो चलिए आई बराबर इसमें अप्लाई करिए दोस्तों, जीरो से पाई बाय टू है, कॉस का पावर फाइव है ना, एक्स के जगह पर, एक जगह पर ये वाला पाई बाय टू माइनस एक्स, कॉस के पावर फाइव पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस साइन के पावर फाइव पाई बाय टू माइनस एक्स। देखिए यहीं पे सब हो रहा है ना, डी एक्स आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाय टू। दोस्तों मैंने बताया था कि कॉस पावर टू माइनस सिक्स रहेगा, तब इसे साइन लिखेंगे है ना, साइन पावर फाइव एक्स अपॉन, इसे भी लिख सकते हैं साइन के पावर फाइव एक्स, आप इसे लिख सकते हैं कॉस के पावर फाइव एक्स। ठीक है, चलो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर से टू। जब प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा ना तो उसे इक्वेशन टू यूज मान लेंगे। आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो जोड़िए आई और आई कितना हो गया, टू आई इज इक्वल टू साइड वाले का पहले है ना, फर्स्ट वाला जीरो टू पाई बाय टू कॉस का पावर फाइव एक्स अपॉन कॉस के पावर फाइव एक्स प्लस शाइन का पावर फाइव एक्स डी एक्स प्लस सेकेंड वाले का जीरो से पाई बाय टू साइन का पावर फाइव एक्स अपॉन साइन का पावर फाइव एक्स प्लस कॉस का पावर फाइव एक्स डी एक्स। ऐसा लिखने के बाद दोस्तों टू आई का टू आई, देखिए जीरो से पाई बाय टू, ये भी जीरो टू पाई बाय टू है ना, तो इसका कॉमन ले लेंगे, जीरो टू पाई बाय टू कॉमन, तो क्या बचेगा कॉस के पावर फाइव एक्स अपॉन कॉस का पावर फाइव एक्स प्लस साइन के पावर फाइव एक्स प्लस साइन के पावर फाइव एक्स अपॉन साइन के पावर फाइव एक्स प्लस कॉस के पावर फाइव एक्स। टू वाई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाय टू है ना, आप इसके एलसीएम लीजिए कॉस के पावर फाइव एक्स प्लस साइन के पावर फाइव एक्स, देखिए तो दोस्तों यही है कॉस के पावर फाइव एक्स प्लस साइन के पावर फाइव एक्स है ना, तो सेम आ जाएगा कॉस के पावर फाइव एक्स प्लस साइन के पावर फाइव एक्स, ये आपके एलसीएम आ गए, तो सेम कॉपी हो जाएगा। देखिए सेम आ रहा हूँ, कट गया, तो टू आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाय टू, ये मेरा मिला एक है ना, वन हो गया, वन इंटू डी एक्स, तो डी एक्स टू आई इज इक्वल टू डी एक्स के इंटीग्रेशन दोस्तों एक्स होता है, टू आई पहले एक्स जगह पर पाई बाय टू यूज करना है। ठीक है ना, तो पाई बाय टू फिर माइनस लिखना है जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे पुट करेंगे, अब एक जगह पर जीरो, तो टू आई इज इक्वल टू क्या मिलेंगे पाई बाय टू, तो आई इज इक्वल टू ये बटे दो है और बटे दो हो जाएंगे, तो बटे पाई बाय फोर हो जाएंगे आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये जो दिया हुआ था उसे ही ना माने हैं, इसी इसी का वैल्यू निकालना है, इसी ही आई माना था, तो देखिए आई की वैल्यू निकल चुका है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए।
माइनस फाइव टू फाइव मॉड ऑफ एक्स प्लस टू डी एक्स। देखिए दोस्तों ये मोड का फंक्शन है, तो मोड का वाले फंक्शन में ना आपको टर्निंग पॉइंट फाइंड करने चाहिए, टर्निंग पॉइंट फाइव निकालना होगा। जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए बोलेंगे सिंस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो करेंगे, है ना, फंक्शन जो है उसको जीरो से इक्वेट करेंगे, तो एक्स का क्या मिलेगा माइनस टू। तो ये माइनस टू उस पॉइंट पर टर्निंग पॉइंट होगा। जैसे पूरा क्लियर देख लीजिए, आपके पास पॉइंट क्या क्या मिले, माइनस फाइव है, फाइव है और माइनस टू है, तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं माइनस फाइव उसके बाद माइनस टू उसके बाद फाइव, ये नहीं मिला आपको पॉइंट, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से इसके ग्राफ बनेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस को बनाएंगे। देखिए आपका माइनस फाइव कहाँ पर आएगा, यहाँ पर सपोज इधर माइनस फाइव यहाँ होता है ना, माइनस टू यहाँ पर आएगा, है ना, उसके बाद फाइव। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वन हो, माइनस वन है, माइनस टू है, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव यहाँ आएगा ना जी, ठीक है। तो मैंने पॉइंट लिया, यहाँ पर पॉइंट लिया फाइव है, तो सपोज यहाँ पे फाइव आया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कैसा इसको निकालना है, टर्निंग पॉइंट करने का मकसद इधर जाएगा और ये ऐसा, ठीक है ना। तो ये पाँच इसका लाइन यहाँ पे आ जाएगा और ये पाँच, ठीक है। तो मुझे जो एरिया फाइंड वैल्यू निकालना दोस्तों इसका निकालना है, ठीक है, यहाँ तक का। दोस्तों ये सब नहीं करने, आपको इतना पॉइंट करने के बाद आप इसको लिखेंगे कैसे, इसको देखिए इंटीग्रेशन, पहले ये दो लिमिट है ना, माइनस फाइव टू माइनस टू, माइनस फाइव टू माइनस टू, ठीक है ना। जो फंक्शन है उसको x प्लस टू डी एक्स, ठीक है, फिर प्लस लिखना है, फिर क्या माइनस फाइव टू माइनस टू लिया था, अब इसके बाद माइनस टू से माइनस, माइनस टू टू फाइव, एक्स प्लस टू डी एक्स, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों कि अगर माइनस फाइव और माइनस टू, माइनस फाइव और माइनस टू के बीच में अगर कोई वैल्यू सोचे तो क्या सोच सकते हैं, माइनस फोर माइनस थ्री, बहुत सारे नंबर आ सकते हैं नेगेटिव में, ठीक है ना। तो अगर माइनस फोर पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, माइनस फोर प्लस टू यानी माइनस में आएगा, हाँ, तो इसको क्या लिखना है, नेगेटिव, कोई भी लेंगे तो यहाँ नेगेटिव इस पार्ट को बनाएंगे, ठीक है, प्लस। अब इसमें देख लेते हैं माइनस टू और फाइव के बीच में जो रेंज आएगा, है ना, नंबर आएंगे क्या क्या आ सकते हैं, माइनस वन आ सकते हैं, जीरो आ सकते हैं, वन आ सकते हैं, टू आ सकते हैं ना, बहुत सारे नंबर, या पुट करके देखेंगे ऐसी, है ना। तो अगर हम माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन प्लस टू कितने हो रहे हैं, वन प्लस में, तो ये प्लस ही लिखाएगा, ठीक है, याद रहेगा। इस तरह से आपको माइनस और प्लस साइन का चूज करना है। चलो अब इसे इंटीग्रेशन कर दो, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस ये टू ए टू है डी एक्स इसके साथ, यानी टू एक्स हो जाएगा, माइनस फाइव से माइनस टू, नहीं देखिए माइनस प्लस इसका भी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स माइनस टू टू फाइव, माइनस रहने दीजिए, पहले माइनस टू है ना ये एक जगह पर पुट करिए, तो माइनस टू का स्क्वायर कितना आ जाएंगे दोस्तों, फोर बटा दो रहने दीजिए, प्लस टू पुट करिए तो टू इंटू माइनस टू क्या हो जाएंगे, माइनस फोर, ये अपर लिमिट आपने पहले पुट कर दिया माइनस, क्या ब्रैकेट लिए माइनस पांच का स्क्वायर पच्चीस हो जाएगा जो बटा दो, प्लस है फिर दो है एक जगह पर माइनस पांच, है ना, माइनस पांच रख दीजिए, ठीक है, माइनस है ना इसलिए मैंने ब्रैकेट ले रखा है, ये आपका हो गया प्लस। अब इसका यूज करिए पांच का स्क्वायर पच्चीस बटा दो प्लस दस आ जाएगा जी माइनस, अब माइनस दो यूज करिए माइनस दो का स्क्वायर जी चार बटा दो प्लस टू इंटू माइनस दो, इस तरह से शांति से बनाना है दोस्तों, है ना। देखिए दो दो से टू टू जब फोर, दो दो चार कट जाएगा, दो चार प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस चार, ये अपर लिमिट का है पार्ट माइनस, ये देखिए पच्चीस बटा दो है यहाँ पे, दो पच्चीस दस माइनस दस आ रहा है, इस तरह से प्लस इसका
इसका देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, 20 हो जाएगा, 20 और 25 कितने हो गए 45 बटा 2 आएंगे यहाँ पे, माइनस यहाँ पे माइनस का पार्ट बचा हुआ है, यानी कि 2 × 4 2 और यहाँ पर -4 माइनस 2 में से 4 घटेंगे -2 बचेंगे, यहाँ पे देखिए 25 में से 20 घटेगा यानी कि 5 बचेंगे, 5 बटा 2 ये हो जाएगा -5/2 प्लस 45/2 ये हो जाएगा, 2 में से 4 घटेंगे -2 आएगा, ये -5 क्या हो जाएगा +2 ये कितने हो जाएंगे दोस्तों -4 और यहाँ पर -5 -9/2 है ना, माइनस कर जाएगा प्लस अंदर कर जाएगा तो 9/2 प्लस 2 × 4 और यहाँ पर 45 कितने हो जाएंगे 49/2 कैलकुलेशन अच्छे से करना है दोस्तों। एलसीएम आपका 2 यानी 49 और 9 कितने हो गए 58/2 है ना, 2 से काट दीजिए 2 × 4 एक बचेगा 18 हो जाएगा, 2 × 9 = 28 है ना, 29 आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। तो इसे आप अच्छे से लिखेंगे दोस्तों है ना, इस तरह से अगर ग्राफ बना भी देते हैं एग्जाम में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई जरूरत नहीं होगा। चलिए ठीक है, आप इसे अच्छे से कॉपी करेंगे, चलिए आगे बढ़ें जी।